पब्लिक टीवी आपकी आवाज। थाना कटघा क्षेत्र के पीतल नगरी बलदेवपुरी में उस वक्त हंगामे का माहौल हो गया जब दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। तो पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुला लिया और दोनों की बात सुनी। उसके बाद लड़के पक्ष ने लड़की के घर वालों के खिलाफ थाना कटघर में मारपीट का मुकदमा पंजीकृत कराया। आपको बता दें कि पिछले वर्ष धर्मेंद्र सैनी पुत्र लीलाधर सैनी ने धनबती सैनी पुत्र धर्मपाल सैनी कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन लड़की पक्ष एक बार सहमत नहीं थी। उसके बाद लड़की थाने पहुंच गई और धर्मेंद्र सैनी से कोर्ट में शादी करने की मांग करने लगी। कटघर पुलिस ने बालिग होने के साथ लड़की का विवाह करा दिया। बलदेवपुरी। क्या हुआ था आपके साथ? सर मैं 8 तारीख को गया था, तो 34 महीने से हमारा केस चल रहा है। सर मैं इलाहाबाद से स्टे ले गया था अपनी बहनों के खिलाफ, तो मैंने स्टे वहाँ पर जमा करा, तो घर पे मेरी मम्मी को गाली दे रहे थे वो। तो सर हम लोग थे जो गाली दे रहे थे, जो जिनसे केस चल रहा है सर। मतलब मेरी शादी करी थी लड़की ने मुझसे सर, तो मैं अलग रह रहा था बिल्कुल। जब तो उन्होंने करी थी लड़की ने मुझसे लंबी शादी पुलिस केस के द्वारा, तो सर हमने शादी कर ली थी, तो उन्होंने केस कर दिया, तो हम केस लड़ लेते सर। तो इलाहाबाद से मैं स्टे लेकर आया था, स्टे जमा करा था कोर्ट में, हम घर को आ गए थे तो उसके पापा गाली दे रहे थे, दारू पी हुए थे। तो मैं स्टे जमा कर रहा था, मम्मी को गाली दे रहा था, मम्मी को लेकर आया तो सब जने आ गए थे सर। वो मानने गए रमेश, राजपाल, दयाराम और उनका भांजा एक दिनेश और धर्मपाल, उनकी लड़की भी थी धनबती, उनकी और सी मम्मी ही मुन्नी, सब जने थे सर। हम दे तैयार 4-5 जने, वह लगभग 12-13 जने थे सर। तो क्या हुआ उसके बाद में? कुछ हुआ सर, मारा था हमें सब जनों को, मेरी बहन के मम्मी कुंडल वंडल सब निकाल दिए सर उन्होंने।